Good morning, students. Today we will complete exercise C of lesson 12, the kinds of sentences. Change the affirmative statement into negative. आपको क्या करना है? Affirmative statements दिए हुए हैं, sentences दिए हुए हैं. आपको इसमें change करना है, negative में change करना है. The scientist. अब यहाँ देखिए verb का क्या पर्स यदि सेंटेंस में सेकंड वर्ब आए तो हम नेगेटिव डिड नॉट से बनाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. इसीलिए हमने क्या याद करा दिया? डिड नॉट. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेक अ वेरी यूजफुल इन्वेंशन. नेक्स्ट पॉइंट स्टडी वाला समझे. इसमें वार दिया हुआ है, इसके बाद में आपको यूज कर लेना है. स्टडे वाज नॉट आ संडे. दैट यूज स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट द बैथरूम क्लास. द बैथरूम क्लास इज इट मीन्स इसके बाद किसका यूज करना है? नॉट ऑन द टेबल. नेक्स्ट पॉइंट चेतन राइट्स नॉवेल्स. चेतन फिर आपको क्या देखना है? टेंस. यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसीलिए यहाँ पर टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट. जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो किसका यूज करते हैं? डू नॉट और डज नॉट का. और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. यहाँ पर राइट्स दिया हुआ है, यूज सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हमने किसका यूज किया? डज नॉट.